हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मुगलाई हांडी, जिसके लिए सबसे पहले आपने ले लेना है 1 kg बोनलेस चिकन। उनको इस तरह से मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। इसके साथ ही आपने लेना है 1 teaspoon सॉल्ट, ये डाल देंगे, 1 teaspoon लाल मिर्च, 1/2 teaspoon हल्दी, 1 teaspoon ज़ीरा, 1 teaspoon सूखा धनिया, 2 tablespoon मेरे पास जिंजर गार्लिक कुटा हुआ, 1 tablespoon लेमन जूस ले लेना आपने, और 3 tablespoon दही। ये डाल के आपने अच्छे से कर लेना इसको मिक्स। जी, तो अब आपने ले लेने हैं 8 से 10 काजू, 8 से 10 बादाम जिनको मैंने सोख करके इनके छिलकों को उतार दिया है। उसके अलावा 1 हरी मिर्च है, 1 tablespoon मेरे पास धनिया है, और 2 tablespoon मेरे पास फ्राइड अनियन है। इन सबको हम कर लेंगे ब्लेंड 2 tablespoon पानी डाल के। तो सारी चीज़ों को मैंने ब्लेंड कर लिया है, बाकी बेस की तरफ आ जाते हैं। आपने ले लेना है 1/2 cup दही, 1/2 cup क्रीम है मेरे पास, 2 तेज़पात हैं, 2 हरी मिर्चें हैं, 1/2 teaspoon गरम मसाला, 1 भरी इलायची है और 3 छोटी इलायची, 3 से 4 लौंग ले लेने हैं आपने, 8 से 10 साबुत काली मिर्च, 2 tablespoon मेरे पास फ्राइड अनियन है। पैन में आपने 1 tablespoon बटर डालना है और 2 tablespoon हम ऑयल डालेंगे। अब डालेंगे काली मिर्च, लौंग, भरी इलायची छोटी इलायची और तेज़पात। अब हम ऐड कर देंगे चिकन। जब चिकन को खो जाएगा हमारा, काजू वाला पेस्ट डाल देंगे जो हमने ब्लेंड किया था। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, साथ ही इन तेज़पात को हम रिमूव करते हैं। अब हम ऐड करेंगे दही। जब थिक होना स्टार्ट हो जाएगी तो हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला, 1/2 cup क्रीम, मिक्स करेंगे इसे। 2 मिनट तक और पकाएंगे हम इसे। अब हम फ्राइड अनियन डाल देंगे इसमें, हरी मिर्चें, हरा धनिया, और जी हमारी मुगलाई हांडी तैयार हो गई है। इसे हम सर्व करेंगे रोटी के साथ और रायते के साथ।